हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं मेरे पास एक बाइक है। अब देख लीजिए ये कौन सा बाइक है और आप कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक रहेगा कि बाइक के बारे में, ठीक है फ्रेंड। अब देख सकते हैं ये चेन है मेरा और ये बोल्ट देख सकते हैं, ये बोल्ट मेरा यहाँ स्केल स्लिप हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हैं स्केल स्लिप हो गया है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गैरेज में आप ले सकते हैं, लेकिन गैरेज में 10 रुपया 20 रुपया बचाने के लिए आप खुद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, इग्निटर बाइक का ऐसा एक नट लाना है, 22 नंबर का नट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ 22 नंबर का नट लगेगा, तो उसको खोलने के लिए आपके पास एक 23 नंबर का रिंग बना होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप चेन देख सकते हैं कितना ढीला हो गया है, ये चेन लॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। उससे आपका चेन लॉक होता है, तो उसके लिए आपको 23 नंबर का रिंग बना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले करिए, आपको चाका खोलिए यहाँ पे 19 नंबर का रिंग पना लेके, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये अगर आप गैरेज में ले जाएंगे तो 150 रुपये आप बचा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप इस हिसाब से आप खोल लीजिए एक नट, और ये 19 नंबर का नट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बारीकी से वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हल्का सा यहाँ पे नट पसा दीजिए, उसके बाद ठोकिए इधर से, देखिए इधर से ठोकिए, इधर से ठोकने के बाद में फिर से खोल दीजिए आप, उसके बाद यहाँ से आप खींच के स्केल को बाहर निकालिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जोगाड़ करके हम चला रहे थे, अगर ये नट अगर आपका स्लिप रहेगा तो चेन आपका बार बार ढीला होता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा नट का स्लिप हुआ है और स्केल मेरा सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम सिर्फ नोटें चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नोट का ज़्यादा दाम है नहीं, 20 रुपया दाम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप 23 नंबर का चाबी पाना ले कर अब खोल लीजिए, इस हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा हार्ड काम है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। खाली एक दो बार रेंच आपको रखना है, उसी में काम हो जाएगा आपका, गैरेज लेने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ताकि हम वीडियो थोड़ा स्किप किया हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा। देखिए ये नट है मेरा कैसे स्लिप हो गया, पूरा थ्रेड जो है ना पूरा प्लेन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको फिर से बता रहे हैं ये 22 नंबर का नट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ से फिर से आप इंस्टॉल कर दीजिए या लगा दीजिए, लगा के आप उसको पूरा टाइट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से हम टाइट कर दिए हैं, ताकि ये टाइट रहने से चेन को आप आगे जाने नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लॉक हो जाएगा। और फिर से आपको चेन टाइट करना हो तो उसको ढीला करके आप चेन चाबी टाइट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से हम फिर से नट को हम कस दे रहे हैं, को कुछ करना नहीं है, उतना ही काम है, ठीक है फ्रेंड्स। खोलना है और नट बोल्ट उधर से लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस हिसाब से आप रख दीजिए, आपको ज़्यादातर रेंच लगेगा आपका, हम बता दे रहे हैं वो भी। आपका 17 नंबर बहुत ज़रूरी है, 17 नंबर और 19 नंबर और 22 नंबर और 10 नंबर और 8 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स।
इतना अगर आप चाबी रख लेंगे तो सारा काम आपका बाइक का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस हिसाब से आप टाइट करते जाइए। और ये रिंग पाना लेके टाइट करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम रिंग पाना से फिर से हम टाइट कर दे रहे हैं बढ़िया से। और आपको कमेंट में बताइए कि ये कौन सा बाइक है। अगर आप ये बाइक देख लीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये बाइक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बस आज का वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है फ्रेंड्स।